हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स ये सेकंड पार्ट है लिपन आर्ट का, जिसको मैं आपको कलर करके दिखा रहा हूँ। सूखने के बाद ये इस तरीके से था, इसके बाद मैं इसमें कलर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे पास ये ग्लिटर कोन है तो मैं उससे कलर कर रहा हूँ। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ग्लू से कलर कर, ग्लू फिल कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर ग्लिटर दे दीजिए तो भी काम हो जाएगा। या कलर है तो आप कलर कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर कर सकते हैं नियोन में, तो वो भी अच्छा लगेगा। हमारे पास ये ग्लिटर कोन है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं, ग्लिटर फिल कर सकते हैं ग्लू लगा करके। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से कलर कर रहा हूँ, आप ही कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से कलर करने का। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ कि लिपन आर्ट जो है गुजरात और राजस्थान का एक फेमस आर्ट फॉर्म है, और इसको आप देखिए होंगे डांडिया वगैरह जो होता है, तो इसमें जो ड्रेसअप रहता है उसमें भी लिपन का बहुत सारा काम होता है, जो कि थ्रेड के साथ में किया हुआ रहता है, मिरर वर्क के साथ में किया रहता है। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि लिपन आर्ट जो है बिना मिरर के कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो आप इसमें मिरर वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि आपको मिरर लगाने के लिए आसान हो। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से ग्लिटर कलर को इसमें फिल कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से फिल कर रहा हूँ, बहुत आसानी से फिल हो जाता है, क्योंकि इसमें केबिन जैसा बना हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक कलर को फिल करना है। आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैं बताऊँ कि आप इसमें ग्लू लगा के डायरेक्ट ग्लिटर को स्पर्कल कर सकते हैं, स्प्रिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छा शाइन करेगा ये। लेकिन ग्लिटर पेस्ट है जो कि उतना मतलब स्मूथ फिनिश नहीं दे रहा है, उतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है, पर फिर भी ठीक ठाक है। आप इसका भी काम कर सकते हैं, अगर आपके एरिया में अवेलेबल है ये सारी चीज़ें तो आप इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ जो मैंने सब्स्टिट्यूट बताया है कि आप उसमें ग्लिटर ग्लू के साथ में स्प्रिंकल कर दीजिए, वो भी चल जाएगा। तो ये देखिए कैसा दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियोस को मुझे, ताकि मैं भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊं। मेरा भी एक सपना है कि मुझे भी लोग जाने मेरे आर्ट की वजह से। तो ये देखिए, और प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मुझे और क्या करना चाहिए। मैं एक आइडल का भी बनाया हूँ, वो भी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगा कि कैसे आइडल का फेस वगैरह बनाया जाता है। उसके लिए भी बहुत स्कूल के बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। आइडल का फेस क्ले वर्क किया है और उसका वीडियो एडिटिंग चल रहा है, वो एडिट कर लूँ तो मुझे एडिटिंग में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि टेक्नोलॉजी को उतना ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, जबकि होना चाहिए। आज के समय में टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं ग्लू लगा दिया हूँ, कलर कर लिया हूँ, आउटलाइन कर लिया हूँ। उसके बाद ये मिरर, कट मिरर्स हैं जिसको मैं यहाँ से इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको कैसे पेस्ट करना है, कैसे कलर करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको कलर कर लिया हूँ, और ये मेरा नेम प्लेट लगभग तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ ताकि ग्लू के साथ में ये सेट हो जाए मिरर्स। ये देखिए, क्योंकि ये ग्लिटर पेस्ट है तो ये थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, इसके लिए मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और इसी टेक्निक से फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के लास्ट में। क्या क्या बनाया है आप देखेंगे। ये एक लाइनर है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये फाइनल लुक। एक मैं इस तरीके से बनाया हूँ, एक ये वॉल हैंगर बनाया हूँ, और फिर इसी टेक्निक से मैंने दिया भी किया है। तो चलिए उस दिए को भी करते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल्स में दिया कंपटीशन हो रहा है, वही टेक्निक पे मैंने ये वाइट कलर दिया को करके उसके बाद उस पर ये लिपन किया है पेंसिल का डिज़ाइन दे करके, उसके बाद मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो इस दिए को कंप्लीट करने में, क्योंकि लिपन का वर्क मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ नेम प्लेट में, वही टेक्निक है।
और इस तरीके से आपको इसमें कलर फिल कर देना है। जैसा कि मैं बताया हूँ कि आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं ब्रशेस से, पतले ब्रशेस से। आईलाइनर जो होते हैं दीदी या मम्मी लोग यूज़ करती है, जो पुराना हो जाता है, जिसके मन में जिसके में कलर नहीं होता, तो वो आप ब्रश यूज़ कर लीजिए। वो ब्रश से बहुत अच्छा पैटर्न बनता है, बहुत बारीक होता है वो ब्रश। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें कलर फिल कर दे रहा हूँ। और ये मेरे पास कुछ लाइनर्स थे जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी समय से पड़े हुए थे। ये देखिए किस तरीके से बन रहा है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और दीपावली में जो स्कूल के बच्चे हैं जिनको मैंने प्रोजेक्ट दिया है, वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है, आप किसी भी तरीके से और डिज़ाइन इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंडेड है कि आप इसको और किस तरीके से सुंदर बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये होने के बाद और वापस से मैं इसमें थोड़ा सा कट मिरर्स पेस्ट कर दूंगा और कैसा लग रहा है आप देखिए। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब इसमें मैं ब्लू की हेल्प से स्टोन ये मिरर्स को पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मुझे यहाँ पे लगाना है, आप कहीं पे भी इसमें स्पेस बना करके वहाँ पे मिरर लगाना है। ये राउंड शेप का मेरे पास छोटे मिरर है, मैं वो लगा रहा हूँ। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे भी मिरर चाहिए, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ अवेलेबल कराने का, ताकि उन बच्चों को भी मिरर्स अवेलेबल हो जाए और वो भी इसका यूज़ कर सके। तो ये देखिए मिरर लगने के बाद ये कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और मुझे अपने वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू दोज पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट। एंड आई हैव मेड मेनी मोर आर्टिकल्स यूजिंग लिपन आर्ट, सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड टेल मी इन द कमेंट हाउ इट्स लुक। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू शेयर लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।